हाँ जी, तो बस अभी जो है वो तैयार हो गया। अभी फिलहाल जो है फुल एंड फाइनल नमाज की तैयारी है, तो अभी बस नमाज के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो आगे फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो बस अभी लिफ्ट से चलते हैं, शुक्र है लिफ्ट चल रही है। बाहर के देखें, बाहर के सीन्स कुछ ऐसे हैं। आवाम जोक दर जोक जो है मस्जिद की तरफ गामजन है। आओ जी, चलो चलो चलो, हम लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज के लिए। जोक दर जोक जा रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज़ आज मिस की है कि जाने नमाज, वो तो हमें याद भी नहीं रिले करानी। और आज एक बहुत सैड न्यूज़ हाँ, है, हमें अभी वो पता हम चला लोग है नमाज के बाद आपको बताएंगे सारी बात, बस एक जी। सैड उसमें न्यूज़ हमने एक। आपको एक बात नहीं बता सके, हाँ वो वीडियो नहीं बना सके उस वजह से, क्योंकि एक दोस्त हमारे हमें बात बता रहे थे। हाँ तो बस जैसी नमाज से फ्री हो के आते हैं, एक बड़ी यार शॉकिंग न्यूज़ अभी अभी हमें मिली है, वो आपको बताते हैं। वेलकम बैक जी नाज़रीन, ये अब हम लोग वापस आ गए नमाज पढ़ के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। भूख बहुत बढ़िया लगी है, क्योंकि सुबह से हमने खाया कुछ नहीं है, नाश्ता भी नहीं किया था। अब आज ऊपर ऊपर होगा पुलाव, होगी पुलाव या बिरयानी? पुलाव होगा। पुलाव होगा। हाँ अच्छा, मुझे तो इससे बिरयानी होगी। हाँ पुलाव होगा, बहुत लगी और है लोकेशन भी नहीं मिलेगी बैठने की, इतनी ऊपर जी, रश होगी, सब लोग अभी क्योंकि सब खाने पे लोग टूट आते हैं पड़ेंगे। खाने पे टूट पड़ेंगे। दोनों वाले दिन ऑफ होता है, फिर इधर ही होता है स्टूडेंट्स का। हाँ जी, हेलो गाइस वंस अगेन। और एक्चुअली इस तरह से है कि अभी हमारा जो कि प्लान था वो आज यूनिवर्सिटी का था, क्योंकि हमारे एक दोस्त ने भी हमें बताया था कि जो है उसको भी हमसे एक बहुत अहम जो है वो काम है। लेकिन अब ये है कि उसका काम हमने थोड़ा साइड पर, काम ने कहा पूरे हफ्ते तो बंदा यार काम नहीं ना हो सकता। हफ्ते में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें बंदा थोड़ा मसरूफ़ होता है, कुछ दिन बंदे को अपने लिए भी टाइम निकालना, तो इसलिए हमने अपने हमारा पूरा ग्रुप था, जब हम लोग BS में थे वो एस्ट्रो फिजिक्स का पूरा ग्रुप था, तो आज हम सब ग्रुप वालों ने कहा कि क्यों ना आज हम लोग मतलब आफ्टर प्रेयर जो है वो हम लोग एक मीटअप रखें, और उसमें हम लोग देखें कि हम ज़िंदगी के किस किस मराहल पे हैं जी। अभी बस हम लोग ये जो है वो फैज़ाबाद के करीब से जा रहे हैं। ये सामने जो है वो स्टेडियम रोड है, ये जिस रोड से हम गुजरेंगे स्टेडियम रोड है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर अभी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पर स्टेडियम है जहाँ पर ये जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम आई थी, तो यहाँ पर रुकी थी सामने। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेडियम, और इसी रोड को हमने फॉलो करते हुए सीधा I-10 पे आया। अभी देखें बच्चे की तरह कमाल हो गया, ये स्टेडियम है। हाँ जी, तो अभी हम लोग अपनी डिज़ायर लोकेशन के ऊपर आ गए हैं। अब उन्होंने हमें इसकी बैक साइड का बताया था किंग ट्रैवल, तो अभी जो है हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर आए या नहीं आए। अभी यार मेरे ख्याल से तो अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया, शायद बैक साइड पे कहीं पे बैठे होंगे। चले आप आराम आराम आराम। और यहाँ पर हमारा मीटअप था इस किसी पॉइंट के ऊपर। अभी सर वो सामने बैठे होंगे, वो सामने हमारे जो है हाजिन और नाजरीन बैठे हैं। अभी हमारा एक छोटा सा मीटअप हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्लान है वही है कि अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे KFC में। KFC का एक प्लान है, एक स्पॉन्सरशिप हमें हमारे एक सर है उन्होंने दी है, और बस अभी हम लोग KFC जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा मीटअप किया, चाय वाय पी है, अब सीधा वहाँ निकलते हैं, वहाँ जाके फिर आपको KFC की सिचुएशन दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ तो ये बस अभी हम लोग KFC में पहुँचने वाले हैं, वो सामने हमारी जो है वो सर तशरीफ़ फरमाएँ, और ये हम लोग यहाँ पर अंदर एंट्री लेंगे। ये सामने KFC है, वहाँ पे चल के आपको वाइब्स दिखाएंगे। ये हमारे सर हैं, हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ब, हमारे बड़े ही प्यारे बिलव्ड सर हैं। ये स्पॉन्सरशिप इनकी साइड से है सर। आप कुछ हमारी आवाम को बताना चाहेंगे, कुछ मतलब अपने हिसाब से कुछ अपनी वो देंगे इसमें इनपुट? नवंबर है, नवंबर की शाम है, ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम, और ठंडे मौसम में फिजिसिस्ट जो हैं वो एनी हॉट हो जाते हैं, एनी हॉट। हम जा रहे हैं KFC में, KFC में, और बस ये शाम इंजॉय कर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर स्पॉन्सरशिप। ये हमारी टीम के जो हैं वो दूसरे भाई हैं, लेकिन ये हमारे लिए हमारे पास आज के लिए इनके पास हमारे लिए आजकल जो है ना वो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, बड़ा शॉर्ट होता है इनके पास हमारे लिए, बिल्कुल हमारे लिए टाइम होता है, बड़े आदमी होते हैं। हाँ बड़ी मुश्किल से हमने इनको बड़ी मुश्किल से किया कैप्चर। आप बताएं आप कहाँ होते हैं आजकल? शादी में अपनी और काम में होता हूं। नहीं नहीं शादी बाद में बता दूं। हां शादी और जो काशिप अब बड़े बन गए हैं, इनका मैं लिफ्ट नहीं कराते जी, जी लिफ्ट नहीं कराते। देखिए जी हमारी बातें हमें मतलब मतलब हमारी बिली हमें मियां, हमारी बातें फिर उल्टा हमें। हां हम पे ही उल्टा। पर आज शाम का हमारा मीटअप का प्लान था, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई मैं क्लास लेने जा रहा हूं। शाह जी आप 3 बजे खुद आप वहाँ से आए हैं, आपका मैसेज मेरे पास सेव है, आपका मैसेज मेरे पास सेव है। 3 बजे मैं पहुँचाऊँ, शाह जी लोग उनका वेट कर रहा हूँ 4 बजे।
ये बड़े लोग ऐसे में इनकी गलती नहीं है। नहीं नहीं ऐसा करो ले ऐसे ऐसे बताओ यार हमें ये बोल सकते हैं ना ये बड़े आदमी तो है बहुत कुछ हाँ, सकते हैं कर क्या सकते हैं। और मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज़ बताता हूँ ये चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। अभी हम लोग मीटअप के ऊपर आए और ये देखें हमारे पास क्या है KFC के ऊपर मीटअप के लिए आए हैं और हमारे पास यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। व्हेन यू आर एस्ट्रोफिजिसिस्ट तब ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नॉर्मल सी हो जाती हैं। तो बस अभी हमारे जो सर हैं वो वहाँ पर हमारा वो कर रहे हैं वेट कर रहे हैं तो उसके फिर वो आते हैं तो फिर हम जो है वो आगे आपकी जो है अपडेट आपको दिखाते हैं। बस अभी हम लोग जो है पहले नीचे फ्लोर पे थे अब उन्हें बताया कि आप ऊपर फ्लोर पे जाए वहाँ पे आप सुकून से ना साइड वाली विंडो वाली कोई भी सीट आप वो जो है वो आप अपने पास रख लें तो फिर आपको चल के दिखाते हैं। हाँ जी तो अभी हम लोग मैं और शाह जी ऊपर आ गए हमारी टीम के जो दो आदमी हमारे सर जो मेरे साथ थे काश्यप भाई वो अभी वो लोग अभी नीचे हैं और वो लोग जो है जा रहे हैं कि वो सामान ऊपर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप जाओ आपने एक प्लेस जो है बुक करनी है लोकेट तो स्पेस जो है वो हमने यहाँ पर सही हो और जहाँ पर आपको ये किताब पढ़ने में ना आपको जो है वो बहुत फ़ायदा हो मतलब आपको इस चीज़ का ना क्या हो दिल आए तो इसलिए हमने ये स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की है। तो अब उनके आने का इंतज़ार है बस वो आते हैं फिर जो है हम अपना जो है वो खाना शुरू करते हैं आपको दिखाते हैं। बस अभी ये सारा सिलसिला आ गया है थैंक यू सो मच। बस अभी थोड़ी देर तक स्टार्ट होते हैं हम लोग ये भी गेट पे लेकर आए थे और यहाँ का बाहर का व्यू चेक कीजिए ज़रा इस्लामाबाद एंड इट्स ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। अजीत भाई तो अभी ये अपडेट है कि सब ने अपने अपने हिस्से का खाना खा लिया है बट एक जो है वो पीस रह गया और हम सब लोग जो है ना वो सर को कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि सर हमारी रिक्वेस्ट पे ना ये नोश फरमाएं। अब हाजी आप भी सर को रिक्वेस्ट कर लें वो भी कर लें हाँ ये सब अपने अपने हाथों से जो है वो सर को दे रहे हैं एंड सर ने हमारी रिक्वेस्ट उर्दू का मुहावरा है कि नहीं की और पूछ केएफसी में आके वो जरा चेंज हो गया क्योंकि फिजिसिस्ट बैठे हैं फिजिसिस्ट हर एक चीज को अपने मुताबिक लेते हैं मोल्ड करते तो चिकन और पूछ थैंक यू सो मच ये सर ने जो है ना ये मैंने जब सर को कहा कि हम अभी वीडियो बनाएंगे तब सर इस चीज के लिए एग्री हुए हैं वरना सर कहते मैं नहीं खाऊंगा। सर हमारे साथ बड़े जवान हो गए अभी पेप्सी नहीं पी रहे थे अभी पेप्सी पी रहे थैंक यू सो मच अभी। और ये सर हमारी मतलब यूनिवर्सिटी का ना एक एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर भी बड़ा इनका नाम है चेयर सो हाउज योर एक्सपीरियंस सो फार सर हाउज योर एक्सपीरियंस ओवर हियर आई एम फीलिंग यंग अगेन यंग अगेन थैंक यू सो मच Though yeah. I'm 50 now, right now, here I feel that I'm hardly 23, 24. This is because of the company when so many astrophysicists come together. Thank you so much. शाह जी ये जा रहे हैं इनकी क्लास है इनको पढ़ाई का बड़ा शौक आया है आजकल इनको और ये जा रहे हैं थैंक यू सो मच हो गया ना हाँ बर्दाश्त भी नहीं ठीक है शाह जी अल्लाह हाफिज सी यू अल्लाह हाफिज टेक केयर भाई जान हमारी जो थी वो मीटअप वो थोड़ा शॉर्ट टाइम का था लेकिन वो अचानक इतना लंबा हो गया कि हमारे बहुत से प्लान थे उसके ऊपर तो फिर हमारी जब साइंटिफिक गुफ्तगू शुरू हुई है तो वो ख़त्म नहीं हो रही थी तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे फ्री हुए हैं और अभी क्या टाइम हुआ है टाइम देखिएगा ज़रा नौ तकरीबन हम लोग आए थे यहाँ पे कितने बजे 3 बजे आए थे फिर बीच में KFC का प्रोग्राम हुआ और फिर अभी जाके ना हम लोग फ्री हुए हैं और अभी हम लोग देखो रात को इस्लामाबाद की सड़कें सर्दियों में कुछ इस तरह की दिखती हैं तो अभी जो है हम लोग वापस जाते हैं रूम में और फिर जाके बताते हैं अगर कुछ मज़ीद दिलचस्प हुआ दिखाने के लायक वो आपको दिखा देंगे अदरवाइज़ फिर वीडियो यहीं पर हम लोग उसको वो करते हैं ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।